नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सारथी टेक्नोलॉजी के एक और नए वीडियो सीरीज़ में। और इस वीडियो सीरीज़ में हम वॉली लाइब्रेरी के बारे में सीखने वाले हैं। वैसे तो मैं इस पर एक इंग्लिश वर्जन बना चुका हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं कि आपको हिंदी में भी वीडियोस बनाने चाहिए, इसलिए मैं इस सीरीज़ को हिंदी में भी बना रहा हूँ। तो हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे, जिससे उन लोगों को भी फ़ायदा हो जिन्हें वॉली के बारे में पता ही नहीं है कि ये है क्या। तो वॉली एक लाइब्रेरी है जिसका यूज़ हम नेटवर्किंग के लिए अपने एप्लीकेशन में कर सकते हैं। यहाँ आप इसका डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, वॉली इज़ एन HTTP लाइब्रेरी दैट मेक्स नेटवर्किंग फॉर एंड्रॉयड एप्स ईजियर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फास्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम HTTP प्रोटोकॉल से जो भी नेटवर्किंग करते हैं, वो हम इस वॉली लाइब्रेरी के थ्रू कर सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए। तो आइए हम ये समझते हैं कि वॉली का यूज़ क्यों किया जाता है और ये काम कैसे करता है। तो यहाँ आप एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। मान लीजिए एक वेब सर्वर है जिसमें आपकी वेबसाइट सेव है, और इस वेबसाइट में हम कोई यूआरएल अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे किसी यूआरएल के थ्रू, तो हमें एक रिस्पांस मिलता है जो हमें वेब पेज के माध्यम से दिखाई देता है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हमने ये एक यूआरएल पेस्ट किया जो एड्रेस बार में, और जैसे ही हम एंटर मारते हैं तो ये रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर पे, और वहाँ से एक इमेज, क्योंकि एक इमेज यूआरएल है, तो वहाँ से एक इमेज हमें रिस्पॉन्स के थ्रू मिलेगी, और जो हमारा वेब ब्राउज़र है वो इस इमेज को यहाँ पर शो करेगा। अगर यही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम अपने एप्लीकेशन में चाहते हैं तो हम वहाँ पर वॉली का यूज़ करेंगे। तो हो सकता है कि आपके पास एक वेबसाइट है और सेम आप एक एप्लीकेशन भी बना रहे हैं और उसमें आपको सेम चीज़ें चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे कि वॉली लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे और सेम एड्रेस रिक्वेस्ट भेजेंगे, और रिटर्न जो हमें मिलेगा रिस्पॉन्स, उससे हम उस इमेज को अपने एप्लीकेशन में दिखा पाएंगे। तो ये है इसकी कहानी, और हम इसमें इमेज रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कोई स्ट्रिंग का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं ऐसी, जिसके बारे में हम आगे सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम बस इंट्रोडक्शन ही रखेंगे, और अगले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि वॉली को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कैसे करते हैं, और एक सिंपल स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बनाकर हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे एफर्ट को थोड़ा और प्रोत्साहन दें, और इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और वीडियो के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।